असलम ए बी न्यूज़ के साथ मैं हूँ तलाब नगरी आपने जानी खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं पाक फौज के सरबरा जनरल सैयद आसमिन ने वाज़ किया है कि पाकिस्तान दुनिया में अमनों इसकाम के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा उन्होंने कहा किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे आर्मी चीफ ने यह बात मार्गला डायलॉग दो हज़ार चौबीस की खसूसी तकरीबा से खिताब करते हुए किया इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट अपने खिताब में पा फौज के सरबरा जनरल सैयद आसिम मुनीक का कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है जिनमें गलत और गुमराह कन मालूम का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है उन्होंने इस खदशे का इजहार किया की कि जामिया कवानीन और कवायद जवाब के बगैर गलत और गुमराह कन मालूम और नफरत अंगेज बयान सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्कम कर सकते हैं आर्मी चीफ ने कहा की दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासीनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है आर्मी सतह पर मैशत अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेनतहा तब्दीली रोनुमा हो रही है दो दो नासेर और रियाती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है आर्मी चीफ ने मजीद कहा की कवायद के बग़ैर आज़ादी इजहार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनजली का बास बन रही है आलमी सतह पर मजहबी फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों आरोप आदम उवादम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है उन्होंने वाजे किया की कि हमारे मुश्तर मकासद में मौसमियाती तब्दीली ऐसी निमटना दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फरहमी जैसे अहम चैलेंजे शामिल है खबर शामिल करें हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पंद्रह नवंबर से यकम दिसंबर तक बगैर किसी रद्दबदल के बरकरार रखने का फैसला किया गया है पेट्रोल की कीमत दो सौ अड़तालीस रुपये अड़तीस पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत दो सौ पचपन रुपये चौदह पैसे फी लीटर पर मस्कम रहेगी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है चेयरमैन सीडीए का रात गए सरीना चौक और जिना इन वेवरी इंटरचेंज मंसूबों की साइट्स का दौरा चेयरमैन सीडीए ने मंसूबों में जारी तमीरती कामों का जायजा लिया मुतलका अफसरान का कामीराती कामों पर चेयरमैन सीडीए को ब्रीफिंग दी ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबों में हायल सर्विस लाइन्स की मुंतकली अमल तेजी से जारी है चेयरमैन सी मोहम्मद अली रंधावा ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमीरती कामों में हायल तमाम रुकावटों को फौरी दूर किया जाए मनसूबों को इनकी डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए पंजाब में मसनू बारिश का कामयाब तजर्बा क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जेलोम चकवाल तलागंग गुजरखान में बारिश महकमौसमियात की तस्दीक क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का भी इम्कान है माहरीन का कहना है मसनू बारिश से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी पखनुख्वा के मुख्य इलाकों में बारान रहमत पिशावर बनू करक और औरगजई चित्राल चारसद्दा और दीरूबाला में वक्त वक्त से बारिश पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की बाकायदा आमद हो गई बारिश से फोगर स्मोक में कमी आसमान से गिरती हल्की फौहार से शहरियों ने सुख का सांस लिया है स्मोक से जान ना छूट सकी पंजाब में स्मोक के बायस लाहौर मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी है पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके हद निगाह सिफर आलूदगी से सांस लेना भी महाल आलूदा तरीन शहरों में लाहौर ताहाल सरे फहरिश एयर क्वालिटी इंडेक्स सात सौ रिकॉर्ड मुल्तान छह सौ इकतीस प्वाइंट के साथ दूसरे नंबर आरोप रावलपिंडी तीसरे इस्लामा चौथे पिशावर पांचवे नंबर आरोप आ गया लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरातब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी स्मोक के तदारों के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्तों आरोप समाध के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए की वजिलाना पंजाब जैसे वापिस आए तो आपको स्मोक आरोप लॉन्ग टर्म पॉलिसी आरोप बात करनी चाहिए स्मोक केस आरोप कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हर तरह की तमीरत पर पाबंदी सुबह भर में ईंटों के भट्टे और फर्नेस ऑयल पर चलने वाली फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म सरकारी और प्राइवेट स्कूल ता सानी बंद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल सीनियर सुबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती है की लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा हफ्ता और इतवार को मुकम्मल शहरों के बाद इस्लामाबाद में भी स्मोक ने डेरे डाल लिए वफा केदारकूमत में भी सांस लेना दुशवार हो गया इंतजामिया ने पाबंदियाँ तो लगाई है लेकिन उन पर अमल दरामद न होने के बराबर है एयर क्वालिटी की हालत रोज बदतर होती जा रही है देखते हैं जायदा रॉ की यह रिपोर्ट शहर बेमिसाल दुनिया के दूसरे खूबसूरत तीन दारखिलान भी गहना गया हसीन मुनाजर धुंधला गए, फिजा भी आलूदा हो गयी सरसबो शादाब इस्लामाबाद की पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ ट्रक मोटरसाइकिल दंदनाते फिर रही हैं। ना पाबंदी कहीं नजर आ रही है ना ही ट्रैफिक कवानी पर अमल दरामद डीजी मौसमियाती तब्दीली ने कहा की स्मोक की सबसे बड़ी वजह धुआँ छोड़ती गाड़ियाँ है जिसके खिलाफ अब हम सख्त कवानी लागू करने जा रहे हैं किसी किस्म का ऐसा सोर्स ऑफ पोल्यूशन जिसकी वजह से इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी में कोई फर्क पड़ रहा है उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं तो होगा जो इसमें ज्यादातर हमारे मुहरक हैं, उनमें गाड़ियों का इशू सबसे ज्यादा है और वो हमारी वो जो के डीजल पे चल रही है दूसरी जानब शहर के बीचों बीच तामीरती काम जारी है जिससे धूल मट्टी उठ रही है बगैर मास्क के फिरते शहरी कहते हैं हमें खुद ही एहतियात करना होगी स्मोग एक जहरे कातिल है जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि भी मुतािर हो रही है हाँ जी स्मोक की वजह से तो काफी, काफी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के स्कूल बंद है काम हो रहा है चलो बंदों को मास्क पहना चाहिए और अपने आप को जो है ना महफूज रखना चाहिए अगर इंफादी और इतमाई जिम्मेदारी समझ कर माहौल की बेहतरी के लिए कोई इकदाम ना उठाए तो हालात मजीद खराब होने का खदशा है कैमरा मैन अराम सईद के साथ जाहिदा राव ए बी एन न्यूज इस्लामाबाद पाकिस्तान में गैर कानूनी वी पी एंस की बंदिश के हवाले से वजारत दाखिला ने पी टी आई को मरास कर दिया वजारत दाखिला की जानब से पी टी आई को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द वी पी एन का इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द वी पी एन के जरिए अपनी शनात छुपा रहे हैं वी पी एन पार्नोग्राफी और तोहन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है वजारत दाखिला ने लिखा है कि गैर कानूनी वी पी एनस को बंद किया जाए तहम यह भी कहा गया है कि गैर कानूनी वी पी एनस की बंदिश से रजिस्टर्ड वी पी एन सार्फिन मुतासर न हों कानूनी वी पी एन तीस नवंबर तक पीटीए में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें इस्लामी नजरियाती कौंसल ने वी पी एन का इस्तेमाल गैर शरी करार दे दिया चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल डॉक्टर राघिब नईमी ने कहा है कि हुकूमत को शरीय लिहाज से अख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक पहुंचाने वाले तमाम इकदाम का इंसदाद करे इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानब ऐसी मुतालबा किया गया है की मुतनाज़ गुस्तखाना और मुल्की साल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप को फौरी बंद किया जाना चाहिए चेयरमैन इस्लामी काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी का कहना है की शरी लिहाज ऐसी अख्तियार है की वो बुराई और बुराई तक रसाई का सदबा करे चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा की इंटरनेट या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जिससे गैर अखलाकी या गैर कानूनी अमूर तक रसाई मकसूद हो शरण ममनू है इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने

पीटीआई ने पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए आप तीन दफा पाकिस्तान का वजर रह चुका हूँ मुझे जेल में इतना मिलती है कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है ताना देना दूसरों को किस बात का तनाज वो दे रहे हैं किस बात का खुदा खुदा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शबाशी साहब माशा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हुकूमत ठीक करने की कोशिश कर रही है उसमें अब खल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी मुझे बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान को सवाए नुकसान पहुंचाने के या पाकिस्तान की साख को ख़राब करने के और क्या काम किया है वजी अला हाउस पेशावर में इजलास चौबीस नवंबर के एहतजाज के वाले अपली तय कर ली इजलास में पंजाब अम्बली के इरकान और पार्टी अहदेदारों की शिकतर सदर पी टी आई पंजाब हमान अजर ने अरकानी कौमी और सूबाई इसम्बली और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारियाँ दे दी इजलास में चौबीस नवंबर को तमाम अरकान कौमी और सूबाई इसम्बली को कम अज कम पाँच हज़ार अफवाद अपने साथ लाने का टास्क दे दिया गया हर हल्के से एम एन ए और एम पी ए अपने काफिले को लीड करेगा पंजाब और के पी के कारकुन पेशावर मोटर पेज से इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे बुशा बीवी ने श्रीका को बानी पी का पैगाम पहुंचाया बुशा बीबी ने अपने खिताब में कहा मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं सिर्फ बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हूं कहा बानी चेयरमैन का पैगाम है 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है उन्होंने कहा कि खर्चा है चौबीस नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार किया जाएगा मैंने पार्टी की क्या नहीं करनी पार्टी लीडर बानी चेयरमैन हैं मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर बानी पी के लिए उनकी अहलिया या बहनों के कहने पर निकलेगा पीटीआई का वर्कर बानी पी की कॉल पर ही निकलेगा शेर अफज मरवत कहते हैं पैगाम रसानी तो वकला सेक्रेटरी जनरल मुलाकात करते हैं तो हो जाती है पीटीआई वर्कर्स का नजरिया ही ये नहीं कि वो किसी और के कहने पर निकलेगा शेर अफज मरवत ने कहा ख्वाहिहिहिश एहत में किरदार अदा कर सकूँ लेकिन मीटिंग में नहीं बुलाया गया मीटिंग में मेरे मुतल भी बातचीत हुई के पी से तो लोग आ जाएंगे लेकिन सवाल ये है कि डी चौक पर कदम कैसे जमाएंगे बानी पी टी आई ने फाइनल कॉल दे दी इसमें रदोबदल नहीं होगी तहरीका नुकता आगा पूरा मुल्क होगा हर जगह से लोग निकलेंगे सेक्रेटरी जनरल पी टी आई सलमानक्रम राजा कहते हैं हम कोई गुलाम कौम नहीं फ्रेब पर मबनी हुकूमत कायम है इसको कितनी देर बर्बादी का मौका देना है कौम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा यह कहते हैं सत्ताईसवीं तरमीम भी लाएंगे सलमान अक्रम राजा ने कहा हम आइन की बहाली और अदलिया की सरबुलंदी चाहते हैं ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होते लोगों और गाड़ियों के पीछे भागना पी टी आई का वतीरा है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंटरसिटी दौरे पर होता हूँ तो कभी कभार सिक्योरिटी साथ होती है पी टी आई का वतीरा है वो इस किस्म की वीडियोज़ अपलोड करते हैं लोगों और गाड़ियों के पीछे भागना पी टी आई का वतीरा है जो वो कह रहे हैं वही उनको कानूनी तौर पर गिरफ्त में लाएगा इसने दो तीन दफ़ा कहा कि एक दिन चाकू लग जाएगा या चाकू लग भी सकता है एक वीडियो में चार मरतबा ये कहा मेरा ख्याल है ये पीटीआई का वर्कर था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के पन्ना रुकनी वफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया वफ्त को नष्ट के मुख्य पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के वफ की क्यादत वार कॉलेज के कमांडेंट तो मेजर जनरल बदर बिन मुनीफ़ अलआबी ने कर दी नस्ट के रेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी ने मेहमानों का गर्म जोशी से इस्ताल किया एक रोज़ा दौरे के दौरान वफ़ को नस्ट के मुख्य पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसमें नस्ट का तारफ़ अकेडमिक गवर्नेंस नस्ट का क्वालिटी इकोसिस्टम एक, तहकीक का शोबा नस्ट का थिंक टैंक और नॉलेज डिप्लोमेसी शामिल हैं वफ् ने पाकिस्तान में पहली मरतबा मुनद होने वाली इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैपिंग ट्रेनिंग सेंटर की अट्ठाईसवीं सालाना कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की है इसके बाद वफ्द को एक्सपो का मुख्त दौरा कराया गया है पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे आई एम एफ को बैरूनी फांसिंग के इंतजाम होने की यकीन दहानी करा दी पाकिस्तान और आई एम एफ हुकाम के दरमियान मुजाकर में सूबाई हुकूमतों ने आई एम एफ मिशन को यकीन दहानी कराई है कि मालियाती माहदे पर अमल के लिए, लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे पाकिस्तान और आई एम एफ के दरमियान पांच रोजा मुजाकर खत्म हो गए मुजाक के आखिरी रोज वजी खजाना सूबाई हुकूमतों और एफ बी आर के साथ सेशन्स मुनद हुए आई एम एफ मिशन ने बारह हजार नौ सौ सत्तर अरब का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया आई एम एफ मिशन के साथ सूबाई बजट सरप्लस के नज़रसानी शुदा अदाद शुमार शेयर किए गए मुजाक के दौरान हुकूमत ने बैरूनी फिन के इंतजाम के भी यकीन दहानी करा दी है आईएमएफ एम को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया जबकि ज़रअी टैक्स पर हुकूमत को जज्वी कामयाबी मिली है आईएमएफ ने जनवरी से ज़रूरी टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया है वजारत खजाना की जानब से बताया गया कि दो हज़ार चौबीस पच्चीस की पहली समाही में तीन सौ साठ अरब का सूबाई सरप्लस रहा है मजमू सूबाई सरप्लस हदफ से अट्ठारह अरब ज़्यादा रहा जुलाई तक सितंबर पंजाब हुकूमत का चालीस अरब रुपये का सूबाई सरप्लस रहा इससे पहले रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत का एक सौ साठ अरब रुपये का खसारा जाहिर किया गया था जरा के मुताबिक आई एम एफ मिशन ने सूबाई हुकूमतों से गैर मामूली सवाल किए और सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत की है आई एम एफ ने जनवरी से ज़रिए टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर दिया है ने मिशन को यकीन दहानी कराई कि मालियाती माहदे पर अमल के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे गैरिक्वेशन के साथ कशीदा ताल्लुक का तख्त तजर्बा गैर मुल्की कोचेज के नखलों से तंग पी सी बी ने गैर मुल्की हेड कोचेज से मुस्तबिल का छुटकारा पाने का प्लान बना लिया है टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गुलाबसी काबल खत्म किए जाने का इम्कान है बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर शुरू कर दिया है अगले कुछ रोज में दौरा जम्बावे और जनूबी अफ्रीका के लिए वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान किए जाने का इम्कान है खबर शामिल करें सन काबीना में वजरा के कलमदानों में रद्दबदल की जाएगी वजरा से इजाफी कलमदान वापस ले लिए गए शर्जील मेमन से महकमा एक्साइज एंड टेक्सटेशन की वजारत ले ली गई है मकेश चावला सिंध के वजीर एक्साइज एंड टेक्सटेशन मुकर कर दिए गए हैं सूबाई वजीर दोस्त अली राहमो को वज़र अल का मुशीर मुकरर कर दिया गया महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ का कलमदान सूबाई वजीर मोहम्मद अली मालकानी को दे दिया गया एम पी सलीम बलोच और लाल चंदरवानी को वजर अल के मावने खसूस मकरर कर दिया गया बाबुल भै्यो एक बार फिर सिंध काबीना में शामिल हो गए हैं उन्हें वजर अल का मुशीर मुकर्र किया गया है वज्राला के मावन खसूसी को कलमदान तफीज कर दिए गए हैं सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ जब्बार ख़ान को महकमा ख़ुराक का कलमदान सौंप दिया गया लाल चंदवान करवानी को अकलीति अमूर का कलमदान दे दिया गया है माने खसूसी उस्मान हंगू को महकमा प्राइस कंट्रोल और मावन खसूसी कासिम शाह को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कलमदान मिल गया है न्यूज़ स्टूडियो से फिलहत इतना ही देखते रहिए ए बी एन न्यूज़